हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ है आकाश गौतम, जिन्होंने नाबार्ड ग्रेड ए 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपने रैंक को सिक्योर किया है। और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, मेंस क्रैक करने के लिए, और क्या स्ट्रैटेजी बनाई इन्होंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो सारा ओवरऑल जानेंगे और आज इनसे जानेंगे कि एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की जो जर्नी रही इनकी किस टाइप से रही। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा अपने पूरे अभिपीडिया टीम के तरफ से आकाश गौतम का। कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। सर। आकाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको जब आपने फर्स्ट टाइम आपने रिजल्ट सुना था, ठीक है, देखा था, तो कैसा लगा था आपको कि जब आपकी आपका रिएक्शन क्या था, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? सर, ये मेरा नाबार्ड का पहला अटेम्प्ट था, पर जी मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बहुत टाइम पहले से कर रहा हूँ जी और मुझको ये सफलता कुछ 9 साल बाद मिली है। जी तो जब इतने टाइम बाद आपको सफलता मिलती है तो आपको भरोसा नहीं होता है। आप रिजल्ट देखने के बाद अपना रिजल्ट चेक करवाते हैं अपने फ्रेंड से कि जी ये एग्जैक्टली सही है, आप बिलीव नहीं करते हैं। जी और फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ आप उसको शेयर करते हैं जो जिन्होंने आपके साथ इस पूरी जर्नी में स्ट्रगल किया होता है। तो रिजल्ट आने के बाद मेरा जो मेजर एग्जैक्टली रिजल्ट आने के बाद का जो रिएक्शन था वो कुछ ऐसा ही था, थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा था, और फिर पेरेंट्स के साथ उसको शेयर करना। जी जी सबसे पहले तो आकाश, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जी सर, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश। जी मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था इलेक्ट्रॉनिक्स, जी और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो ज्योग्राफी में था, क्योंकि जी मैं यूपीएससी और बाकी पीसीएस एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा था विद ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल। जी उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए ज्योग्राफी करने के बाद मैं एग्ज़ाम लिख रहा था, लेकिन वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही थी। जी तो ज़्यादा हताशा ना हो इसलिए मैं हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता ही रहा हर लेवल पर। तो मैं साथ साथ जीआरएफ दिया, उसके बाद पीएचडी में एनरोल किया अपने आप को, जी और फिर उसके साथ साथ मैं नबार्ड का जब मुझे पता चला तो एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, हु वॉज राइटिंग, तो जी हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने बहुत लेट तैयारी की थी जी और मैंने बहुत कम टाइम दिया, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से मैं खुद एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के मैं अपनी वहाँ पर सेवाएं दे रहा था, तो आई वॉज वर्किंग देयर, जी तो आई कुड नॉट डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम, दिन में जी सिर्फ 3-4 घंटे, और वो भी बहुत लिमिटेड मेरी पढ़ाई थी, तो काफ़ी फोकस्ड मैं बोलूँगा कि जो मेरी पूरी स्टडी थी। जी आकाश, जैसे कि आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, 1 साल पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, इससे पहले 9 साल से आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उससे इस एग्जाम को क्रैक करने में कितना फायदा मिला आपको? सर, देयर इज अ करेक्शन, मैं 1 साल से भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जी नोटिफिकेशन आने प्रीलिम्स से एक एक डेढ़ एक महीना या 1.5 महीना पहले ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था नाबार्ड का। जी जी तो जी सर, जी सर एक्चुअली ईएसआई एआरडी जी ये दोनों का यूपीएससी में डायरेक्ट लिंक नहीं है, दो हम पढ़ते हैं स्कीम्स के बारे में, लेकिन जी इनफैक्ट जनरल अवेयरनेस भी जो आता है वो भी यूपीएससी से, क्योंकि टॉपिक सेम रहते हैं बट नेचर ऑफ क्वेश्चन बदल जाता है। यहाँ पर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल नंबर्स पूछ लेते हैं आपसे, इयर्स पूछ लेते हैं जो यूपीएससी में जी नहीं पूछे जाते नहीं हैं। पूछते जी हाँ बिल्कुल, तो मुझको फिर अपने आप को रीओरियंट करना पड़ा था। जब भी मैं ईएसआई पढ़ रहा था या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, तो यहाँ पे वन लाइनर्स पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत रहता है, उसका प्रचलन है नबार्ड के लिए और बाकी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो सबसे पहले मैंने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकाला, जी और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालने के बाद मैंने देखा कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर कम मेहनत करके बेटर रिवॉर्ड मिल सकता है, जी और फिर इसके अकॉर्डिंग अभी हम सर शायद आगे बात करेंगे अलग अलग फेजेस में कैसे किया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने किया था, क्योंकि प्रिलिम्स में स्टूडेंट्स को पता है कि 200 मार्क्स का होता है, लेकिन क्वालिफाइंग है 100 और 100 मेरिट के लिए है। तो जी मैंने क्वालिफाइंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, मुझको था मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। जी दो मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं है जितना बैंकिंग और एसएससी स्टूडेंट्स का होता है, जी तो अगर मैथ्स क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता, मेरिट में होता, तो मे बी आई वुड हैव नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम, जी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो मैथ्स अगर मेरिट में होगा तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि जी बाकी लोगों को बहुत एज मिल जाएगा।
जी और जी बाकी जो सेक्शंस थे उसमें मेरे को था कि मैं मेहनत करके जो पुराने बच्चे हैं उनके ऑलमोस्ट क्लोज तक आ सकता हूँ, आई कैन गेट इन दी कट ऑफ को बस क्लियर करना था, मेरा रोल ये था प्रीलिम्स के लिए। जी तो मैंने सर इनफैक्ट एग्जाम डे पर भी मैंने मैथ्स के, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मुझको श्योर हो गया कि मैं कट ऑफ को क्लियर करने के अराउंड आ गया हूँ जी और उससे ऊपर ही हूँ, तो मैंने सेक्शन चेंज कर दिया था और मैं फिर प्रीलिम्स के जो बाकी सेक्शन थे उनमें काफ़ी टाइम दे रहा था, जी और काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मैंने प्रिपेयर कर रखे थे जी अपने खुद के नोट्स बना के, वहाँ से हो रहे थे। बाकी कुछ क्वेश्चन सर होते हैं जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं, जी तो मेरा ये मानना है कि एक क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता है, इट इज़ द ऑप्शन दैट मेक्स अ क्वेश्चन टफ। तो अगर मैंने जी क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है तो मैं उसके बाद कोशिश करता था कि मैं उसके आंसर तक पहुंच सकूं बाकी ऑप्शंस देख के। तो जी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस थे जैसे जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी थी, जैसे मैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो जो एनिमल्स होते हैं लाइव स्टॉक उनके काफ्स को, उनके प्रोजेनीज और जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जी तो ये सब मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया था। तो हाफर काव आया था, मेरा सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था हाफर काफ, बफलो के काफ को बोलते हैं, तो मुझे ये टर्म नहीं पता था लेकिन ऑप्शंस देख के मैं वहां पहुंच गया था कि एक जगह हाफर लिखा है, एक जगह हाफर काफ था और बाकी तीन ऑप्शंस बिल्कुल ही अलग थे। तो जी इस तरीके से कॉमन सेंस और फोकस स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करके आई वाज एबल टू कट ऑफ द आई वाज एबल टू रीच द कट ऑफ द प्रीलिम्स। जी तो ये तो आपकी मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम की स्ट्रेटेजी होगी, है ना, कि अगर जी आपने जी एग्जाम में इस टाइप से अटेम्प्ट किया था। लेकिन अगर हम जी लोग जी पढ़ने की, जैसे कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले से आपने मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि इस टॉपिक को, जी मतलब जैसे आपने मैथ्स को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपने जो अदर टॉप जो सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर ध्यान दिया, मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी वो प्रीलिम्स के लिए, वो थोड़ा सा बताइए। जी जी तो सर मैंने इस स्ट्रैटेजी में भी तीन ही सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया था, करंट अफेयर्स, एआरडी एंड ईएसआई, क्योंकि ये तीनों ही थे। तो करंट जी अफेयर्स के लिए मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता चले तो ऑलमोस्ट एग्जाम से 3-4 महीने पहले के क्वेश्चंस दो स्टूडेंट्स पूरा 6-7-8 महीने इनफैक्ट 1 साल के तैयार करते हैं, बट जी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने वो पता किया एनालाइज करके क्वेश्चंस को कि अगर मैं जून जुलाई और मई की अगर मैं करंट अफेयर्स करूंगा तो मेरा जो रिटर्न रेशियो होगा, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, वो बहुत अच्छा होगा। सो आई फोकस प्राइमरली ऑन दीज 3 मंथ्स, एंड थोड़ा मैंने अगस्त तक का भी पढ़ ही लिया था और वो वहाँ से क्वेश्चन भी आए थे। सो आई वॉन्ट सजेस्ट स्टूडेंट्स जो नबार्ड के लिए एक ही अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं वो मेरी स्ट्रैटेजी से करें, आई वुड ऑलवेज गाइड देम कि वो फोकस्ड और वो पूरा ही पढ़ाई करें और फिर इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं, क्योंकि मेंस में ये स्ट्रैटेजी काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है, मेरे साथ हुआ भी था ऐसा, मेंस में मेरे कम मार्क्स थे लेकिन प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर हो रही थी। तो सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने 3 महीने के वन लाइनर्स, जितने भी करंट अफेयर मैगजीन्स आते हैं उनको मैं वन लाइनर्स को ऑलमोस्ट रटना ही रहता है पूरे एग्जाम में, समझने का गेम थोड़ा मुझे कम लगा तो उन सबको रटा था। जी फिर एआरडी एक ऐसी चीज थी सर जो, हाँ मैं थोड़ा अपने आप को वीक मानूंगा, तो एआरडी के मैंने सर टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे, जी जैसे एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल सॉइल के जैसे मैं क्वेश्चन देखता था, विल्टिंग पॉइंट और ये सब चीजें जो मुझे नहीं पता था, फील्ड कैपेसिटी, इन सब के जी मैंने नोट्स बनाए। फर्टिलाइजर जैसे है अमोनियम फॉस्फेट, कितना उसमें अमोनियम होता है, कितना फॉस्फोरस होता है, तो ये सब जी रेशियोज जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आते थे उन सब टॉपिक्स के मैंने खुद के नोट्स बनाए जी और मेरे फ्रेंड के साथ हमने ये शेयर किया था, तो कुछ नोट्स वो बनाते थे कुछ नोट्स मैं बनाता था। जी जी तो इस तरीके से सिमिलरली कमिंग टू ईएसआई, ईएसआई में सर हमने पहले पता किया कि स्टैटिक स्कीम्स कौन सी पूछते हैं और करंट अफेयर्स में कौन सी स्कीम्स हैं, नेचर ऑफ जी क्वेश्चंस पता चल गया था, तो उन स्कीम्स को टारगेट करके नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देख के अपने खुद के बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाए थे हर जी टॉपिक के लिए। मिनिस्ट्री वाइज मैंने जैसे स्कीम्स बना रखी थी और उनका एक ऑर्डर वाइज क्रोनोलॉजिकली जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे एक्सपेक्टेड था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से क्वेश्चन आएगा जी तो उसके अलग अलग फेजेस का बहुत डिटेल में क्या क्या नंबर्स हैं, उज्ज्वला जी योजना में कितना सब्सिडी होता है, ये सब क्वेश्चन आए थे। सिमिलरली जी सर बहुत एक्सपेक्टेड होता है कि एग्रीकल्चरल सेंसस और जो एमएसपी के प्राइजेस होते हैं जो हर आई गेस 6 मंथ्स में रिलीज होते हैं, तो उनके नंबर्स को बहुत ही अच्छे से याद करना कि अभी पैडी का एमएसपी कितना है, राइस का कितना है, स्पेशली एग्जाम से जस्ट पहले वाली साइकिल में जो नंबर्स रिलीज हुए हैं, तो इन सब के शॉर्ट नोट्स बना के सर प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रिपेयर किया था।
अगर हम लोग बात करें मेंस की स्ट्रेटजी की, क्योंकि मेंस में आपके तीन सब्जेक्ट थे, एक तो आपके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो गया, उसके बाद फिर एआरडी हो गया, और आपके इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, ठीक है। अब इसमें जी क्या है कि एक तो आपको टॉपिक को तैयार करना है, सब्जेक्ट को तैयार करना है, उसके बाद फिर आपको लिखना है, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। अब वो भी पेन जी पेपर मोड नहीं होता है, वो कीबोर्ड मोड होता है, ठीक है। एक तो अपने टॉपिक को तैयार करना, अपने सब्जेक्ट को तैयार करना, उसके बाद फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो जी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करना, तो उसको कैसे मैनेज किया था आपने? जी एग्जैक्टली सर। सर यहाँ पर ये भी दो फेजेस में हो गया, एक एग्जाम डे प्रिपरेशन और आपने कंटेंट कैसे प्रिपेयर किया। जी तो एग्जाम डे के लिए जैसे आपने बताया टाइपिंग वाला, मैं कोई अभी तक एग्जाम नहीं लिखा था। सो फॉर्चुनेटली जैसे हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने ऐसे पुराने वीडियोस देखे थे टॉपर्स के जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज बताई थी, और उनकी जो स्ट्रैटेजीज मुझे सही लगी थी मैंने उनको अडॉप्ट किया। जैसे कि आए मैं ऑफिस में लैपटॉप पे काम करता हूँ, बट लैपटॉप का जो टाइपिंग इंटरफेस है, जो टाइपिंग लेआउट है, इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी इजी। तो जी मुझे सीनियर्स ने और बाकी जो सेलेक्टेड लोग थे उन्होंने बताया कि यू शुड हैव अ डिफरेंट पुराना सा कीबोर्ड, तो मैंने उसको अरेंज किया। जी सो आई यूज टू प्रैक्टिस ऑन दैट कीबोर्ड, और क्योंकि जिस इंटरफेस पे हम लिखते हैं वो भी बहुत ही प्लेन इंटरफेस होता है, वहाँ पर स्पेल चेक और ग्रामर चेक ये सब काम नहीं कर रहे होते हैं। इनफैक्ट लाइंस चेंज करना ये सब भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, फॉन्ट करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आप अपने आंसर्स को कैसे स्टैंड आउट करोगे? हम जब पेन से लिखते हैं मेंस यूपीएससी मेंस में या पीसीएस मेंस में, सो हम हेडिंग्स जैसे लिखते हैं तो वी मेक अ बॉक्स, बट वहां पे आप जी बॉक्स नहीं बना सकते हैं। तो मैं कैपिटलाइज करता था हेडिंग्स को, पहले मैं इंट्रोडक्शन जैसे देना है तो इट हैज टू बी, इट वुड बी अ फैक्चुअल इंट्रोडक्शन जिसमें फैक्ट्स होंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद आई वुड पुट अ हेडिंग एंड देयर वुड बी टू थ्री हेडिंग्स जिसमें मैं पहले जो भी क्वेश्चंस की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हेडिंग डालेंगे, और फिर आई वुड राइट दी कीवर्ड, और फिर हाइफन करके मैं उस कीवर्ड को एक्सप्लेन करूंगा इन दी कंटेक्स्ट ऑफ हेडिंग। तो इस तरीके से मैं पूरे आंसर को दो तीन हेडिंग्स में, और पूरा इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत किया था। जी दो मेरे पास टाइम कम होता था तो मैं ऑफिस में कंटेंट अपना तैयार करता था, और शाम को घर आके मैं टेस्ट लिखता था। सो आई गेस मैंने 7-8 टेस्ट ऑलमोस्ट पूरे लिख दिए थे, क्योंकि मेंस का भी, मेंस के लिए भी मेरे को टाइम बहुत कम मिला था। जी तो मैं फिर एनालाइज करता था अपने टेस्ट को कैसे हो सकता है। जी दिस वाज अबाउट द टेस्ट पार्ट। द कंटेंट सर जो इसका था उसके लिए मैंने काफ़ी जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे उन्होंने जी बताया कि, क्योंकि हम यूपीएससी में वी आर सपोज टू राइट 1000 to 1500 वर्ड्स, बट यहाँ जी पर 3.5 वर्ड्स लिखना होता है आपको। जी तो वहाँ आप कैसे एक एक पैराग्राफ वाइज, मैंने जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ऐसे में वो ये थी कि एक पैराग्राफ में आई विल फोकस ऑन वन पार्ट। जी लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, तो एक फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट इज डिजिटल इंडिया व्हेन इट वाज रिलीज एंड दीज फैक्ट्स, सेकंड में कि इसकी क्यों जरूरत थी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ ऑल द कंपोनेंट्स, फिर व्हाट आर द चैलेंजेस, नेक्स्ट पैराग्राफ, और फिफ्थ पैराग्राफ में द वे फॉरवर्ड। जी तो ये मेरे को स्ट्रैटेजी अच्छी लगी थी, तो ऐसे का मेरा ये स्ट्रैटेजी था। जी ESI, क्योंकि मैंने ARD काफी छोड़ रखा था पहले जी प्रीलिम्स के लिए, तो मेंस जी के लिए मेरे को लेकिन ऐसा नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रहा था स्टूडेंट्स को कि आप पहले से तैयारी करेंगे जी तो आपका जो मेंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। जी तो मेरा ऑब्जेक्टिव स्कोर जो, दो दे आर नॉट आउट बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से मेरा ऑब्जेक्टिव स्कोर बहुत कम आ रहा था, जी इट वॉज अराउंड 25-26 on 50 विच इज़ अ जी वेरी लो स्कोर। तो इनफैक्ट मेरे को कॉल आ गई थी तो भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई कैन बी देयर, मेरे को ऐसा था कि आई हैव टू क्रैक द इंटरव्यू, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। जी तो और डिस्क्रिप्टिव पे इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस था कि मैं अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को भी अच्छा करूँ, बट एन आइडियल कैंडिडेट शुड देयरफॉर गिव अ लॉट ऑफ टाइम कि वो ESI और ARD के कॉन्सेप्ट को अच्छा कर ले, नॉट फॉर प्रिलिम्स बट क्योंकि मेन्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। जी जी सर जी और अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन जी सर आपकी किस टाइप से रही? जी सर सर नबार्ड, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी तैयारी की थी तो सबसे पहले मेरे को ये ज़्यादा इच्छा थी कि आप अपने आप को जान सके कि नबार्ड का रोल क्या है, जिससे कि आपको और ज़्यादा डिटर्मिनेशन मिले।
इंटरव्यू के लिए। तो बहुत अच्छी वीडियोस हैं नबार्ड के फॉर्मर ऑफिसर्स और सीनियर्स की जो नबार्ड के बारे में बताते हैं। तो पहले मैंने उन वीडियोस को देख के अपने आप को और मोटिवेट किया जिससे कि मैं इस प्रिपरेशन में आगे कर सकूं। देन मैंने सर अभिमन्यु अभिपीडिया के साथ जो आपका इंस्टीट्यूट है मॉक सेशन मॉक इंटरव्यूज लिए थे। उस मॉक से पहले पूरा एक प्रिपरेशन किया था। आई हैड मेड अ नोटबुक जिसमें अलग अलग सेक्शन थे। वन वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल करंट, वन वाज रिलेटेड टू नबार्ड हिस्ट्री एंड अदर थिंग्स, व्हाट इज नबार्ड, फिर नबार्ड की स्कीम्स एंड ऑल, और एक था एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस। इस तरीके से नोटबुक्स को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो देर आर मेजर थीम्स, जैसे इंटरव्यू में हमेशा नबार्ड एनुअल रिपोर्ट जरूर पूछा जाता है, तो एनुअल रिपोर्ट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना था। फॉर्चुनेटली जो मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे तो मेरा इंटरव्यू मॉक के काफी अराउंड हुआ था, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी बैकग्राउंड है। तो मेरे को मॉक में बताया था के गर सर ने, जो अभी पीडिया से है, कि वाटरशेड और ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनफैक्ट उसी लाइन पे ही मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ था। तो मेरे को मॉक्स का बहुत ज्यादा फायदा मिला था। एंड जो मैंने कंटेंट तैयार किया था, FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, KCCs, दीज आर दी स्कीम्स जो नबार्ड करता है। और तो प्राइमरली जो पूरा इंटरव्यू था सिर्फ मेरे लिए नहीं, काफी लोगों के लिए, इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। तो इट वाज मोर ऑफ द प्रेजेंटेशन थिंग जो आपको अच्छे से करनी थी। तो यहाँ पे केकेगर सर का एक एडवाइस था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि आई हैव द क्रेडेंशियल्स एंड एवरीथिंग आर गुड, सो ही गेव मी दिस एडवाइस विच हेल्प मी अ लॉट, विच आई वुड लाइक टू शेयर, दैट यू शुड नॉट गो देयर एज अ जॉब सीकर बट समवन हु वुड ब्रिंग वैल्यू टू द इंस्टीट्यूशन। तो मैं फिर इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी मंथ के साथ, मेरा सुबह का पहला ही इंटरव्यू था, आई एंटर्ड द हॉल एंड आई थिंक दैट वर्क फॉर मी। थैंक यू। एंड ये जैसे कि अभी 2023 में भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू तक भी पहुंचे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और आगे वो 2023 का फिर टारगेट कर रहे हैं, तो उन बच्चों को जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ मैसेज अगर आप देना चाहो तो क्या दोगे? जी सर, आई वुड से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एनालाइज करना चाहिए। इनफैक्ट मेंस में तो सिर्फ दो ही राउंड, दो ही प्रीवियस डिस्क्रिप्टिव हुए हैं, उससे पहले तो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता था। लेकिन दो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर फील्ड, बट मेरे को लगा कि नबार्ड में प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी है। आप क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं इजिली कि किस टाइप के आएंगे, तो उससे हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं उसके बाद। सो आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन द मेरिट सेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें रिपीट हुई हैं या उनके सिमिलर लाइंस पर होना चाहिए, और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जब ये सब पढ़ने के बाद। एंड इफ यू हैव एंड यू शुड राइट, यू शुड गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। टेस्ट देने से मेरे को लगता है कि काफ़ी मदद होता है सर। थैंक यू आकाश, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ठीक है, इसके लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और बेस्ट विशेस थैंक यू सो फॉर मच। योर फ्यूचर। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सर। यू।